कोल्हापूरमध्ये समस्त मुस्लिम समाजाकडून मोर्चा काढण्यात आलाय. हजारो मुस्लिम बांधवांनी एकत्र येऊन हा मोर्चा काढलाय. रामगिरी महाराज यांना तात्काळ अटक करण्याची मागणी देखील या ठिकाणी केली गेली आहे. रामगिरी महाराजांनी प्रेषित पैगंबर मोहम्मदाबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं होतं. अपमानास्पद वक्तव्यामुळं आणि महाराजांच्या वर्तनामुळं मुस्लिम समाजाच्या भावना या दुखावल्या गेल्यात. संबंधित घटनेमुळं मुस्लिम समाजामध्ये असंतोष वाढलेला असून नाराजीचा स्तर देखील वाढलेला आहे. भाई मेरा सभी देशवासियों को सबसे पहले सलाम है. और आज जो हमने ठिया आंदोलन किया है ये हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर, क्योंकि कुछ दिन पहले एक महंत रामगिरी ने उनके खिलाफ़ उनकी शान में गुस्ताखी की और ये बात मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता. सभी लोगों का आक्रोश था. इसलिए समस्त मुस्लिम समाज की तरफ से उलमाए किराम जो शहर के हैं उनकी रहबरी और रहनुमाई में ये प्रोग्राम आंदोलन किया गया. और इससे हमारी मांगनी यह है कि महंत उनको जो है इसके लिए अटक किया जाए, उनको कड़ी से कड़ा सज़ा दी जाए, क्योंकि उसके ज़रिए से सिर्फ मुसलमानों का ही जो है दिल नहीं दुखा है बल्कि सारे देशवासियों का तेढ़ निर्माण भी किया गया है. उसमें एक हिंदू मुस्लिम समाज को लड़ाने की साजिश भी की गई है और ये चीज़ हमारे इस देश में नहीं होना चाहिए. इस बुनियाद पर ये आंदोलन किया गया है. ये साजिश तो ऐसा ये है कि वो महंत जो 2018 में जब वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बात बोलता है और आज इतने साल के बाद में उसको हुजूर के बारे में ये कमी नज़र आ रही है, तो जाहिर बात है ये कि किसी ना किसी की साजिश है जिसके उकसाने पर ये बात की जा रही है. आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, मौलाना इरफान के नाम से लोग जानते हैं कोल्हापुर में.